हेलो बच्चों, नवांको डिजी लेसन्स क्लास में मैं वंदना भार्गव एक बार आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 के अगले पाठ 7 पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है विश्व भारतीयम। विश्व का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं, संसार, जगत। भारती का अर्थ होता है वाणी और इयम का अर्थ होता है यह। तो इस पाठ के नाम का अर्थ हुआ यह विश्व की वाणी है, विश्व भारतीयम, अर्थात यह विश्व की वाणी है। अब कौन सी है विश्व की वाणी? तो यह पूरा का पूरा चैप्टर संस्कृत भाषा के ऊपर आधारित है। इस चैप्टर में संस्कृत भाषा के महत्व को और कई विद्वानों के विचारों को इसमें बताया गया है। तो आप सभी बच्चों से मैं आग्रह करती हूँ कि आप इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें सभी विद्वानों के जो विचार दिए हैं उन विचारों के बारे में ही प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। पाठ के पीछे भी इसी प्रकार के प्रश्न हैं और परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्त महापाठः विश्व भारतीयम, पाठ 7, यह विश्व की वाणी है। संस्कृत भाषा न केवलम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा, संस्कृत भाषा न केवल विश्व की प्राचीनतम भाषा है अपितु, अर्थात बल्कि वैज्ञानिकी भाषा अप्यस्ति, बल्कि वैज्ञानिकी भाषा भी है। अस्याम, इसमें, अस्माकम, हमारे, भारतीयानाम, पूर्वजानाम, इसमें हमारे भारतीय पूर्वजों का सर्वमपि ज्ञान विज्ञानम निहितम अस्ति, समस्त ज्ञान और विज्ञान निहित है। मतलब समस्त ज्ञान और विज्ञान किस में है? संस्कृत भाषा में ही। एषा भाषैव, यह भाषा ही भारतीय भाषाणाम, भारतीय साहित्यस्य च उपजीव्य भाषा अस्ति, यह भाषा ही भारतीय भाषाओं की, भारतीय साहित्य की उपजीव्य भाषा है। अर्थात इन सभी भाषाओं ने और भारतीय साहित्य ने किससे जन्म लिया है? संस्कृत भाषा से ही। तो यह इन सभी की उपजीव्य भाषा भी कही जाती है। आगे, संस्कृतेन बिना भारतीय भाषाणाम, भारतीय साहित्यस्य, वेद, पुराण, उपनिषद, कला, धर्म, संस्कृति, दर्शन प्रवृत्ति नाम ज्ञानम प्राप्तुम न शक्यते। संस्कृतेन बिना, अर्थात संस्कृत के बिना भारतीय भाषाओं का, भारतीय साहित्य का, वेदों का, पुराणों का, उपनिषद ग्रंथों का, कला, धर्म, संस्कृति, दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ये सभी के सभी, भारतीय साहित्य हो, चाहे भारतीय भाषाएं हो, वेद, पुराण, उपनिषद, धर्म, संस्कृति, कला, दर्शन ग्रंथ, सभी कुछ किस भाषा में? सर्वप्रथम संस्कृत में। और हम उनको तभी पढ़ सकते हैं, उनको तभी समझ सकते हैं जब हमें इस भाषा का ज्ञान हो। आगे, पाणिनीय व्याकरण संस्कृता इयम भाषा न केवलम भारतीय रेपितु पाश्चात्यैहि विद्वद्भिः अपि प्रशंसिता सम्मानिता पुरस्कृता च वर्तते। पाणिनीय व्याकरण से सुसंस्कृत यह भाषा, पाणिनीय व्याकरण से सुसंस्कृत यह भाषा से क्या मतलब है? सर्वप्रथम पाणिनी ने ही संस्कृत भाषा के ऊपर व्याकरण ग्रंथ लिखा, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। आप सभी ने इस ग्रंथ का नाम सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया और उस समय उन्होंने तांडव नृत्य के दौरान डमरू बजाया, तो उस डमरू से कुछ ध्वनि निकली, कुछ नाद निकली, उस नाद को पाणिनी ने सुना, उसको पढ़ा और उस ध्वनि को, उन जो कि वर्ण निकले थे, उनको 14 माहेश्वर सूत्रों में बांध दिया। उन 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही पूरी की पूरी अष्टाध्यायी की रचना की और पूरी व्याकरण की उन्होंने रचना की। और ऐसा भी कहीं कहीं किसी किसी ग्रंथ में लिखा है कि पाणिनी को ही शिव का अंशावतार भी कहा गया है। तो पाणिनी व्याकरण से सुसंस्कृत यह भाषा न केवल भारतीयों के द्वारा बल्कि पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा भी, अर्थात विदेशी विद्वानों के द्वारा अपि, अर्थात भी प्रशंसित, सम्मानित और पुरस्कृत है। आगे पढ़ते हैं, संस्कृतस्य सार्वकालिकम सार्वभौमिकम च महत्वम वीक्ष्य। संस्कृत के सार्वकालिक और सार्वभौमिक महत्व को वीक्ष्य, अर्थात देखकर, समय समय, अर्थात समय समय पर प्रसिद्धैः महापुरुषैः, प्रसिद्ध महापुरुषों ने और राजनयिकी, अर्थात राजनायकों ने या राजनेताओं ने संस्कृत विषये, संस्कृत के विषय में स्वकीय मंतव्यम प्रकटितम, अपने अपने मंतव्य अर्थात विचार प्रकट किए हैं, मंतव्य अर्थात विचार। पाठे अस्मिन, इस पाठ में केशांचित, अर्थात कुछ महापुरुषाणाम, महापुरुषों के संस्कृत केंद्रिता विचाराः संकलिताः वर्तन्ते। संस्कृत पर केंद्रित विचार संकलित हैं, संकलित हैं अर्थात
इकट्ठे हैं, कुछ महापुरुषों के जो विचार हैं इस पर आधारित, इस भाषा के ऊपर, वो इस पाठ में दिए गए हैं। और ये पूरा का पूरा चैप्टर संवाद के रूप में है। संवाद का अर्थ होता है बातचीत। इसमें आचार्य की और छात्रों के बीच बातचीत है, जिसमें आचार्य छात्रों से बात करते करते संस्कृत भाषा के महत्व को बता रहे हैं और अनेक विद्वानों के, भारतीय विद्वानों के और विदेशी विद्वानों के और समस्त विद्वानों के विचारों को वो इसमें बता रहे हैं और संस्कृत भाषा के महत्व को समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। संवाद के रूप में आचार्य अर्थात सर्वप्रथम आचार्य पूछते हैं, भो छात्रा, हे छात्रों, ध्याने निश्रृण्वन्तु, ध्यान से सुनो। वयम संस्कृतम पठामः, लिखामः, वदामः, किंचिन महत्वम अपि जानीमः, कि हम सभी संस्कृत को पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं और उसका कुछ महत्व भी जानते हैं। किंतु संस्कृतस्य विषये भारतीयाः वैदेशिकाः विद्वांसः किं कथयन्ति भवन्ति जानन्ति वा, किंतु संस्कृत के विषय में भारतीय और विदेशी विद्वान क्या कहते हैं, भवन्तः अर्थात आप जानन्ति वा, क्या आप सभी जानते हैं। सभी छात्र कहते हैं, सर्वे छात्राः अर्थात सभी छात्र कहते हैं, आचार्य न जानीमः, हम नहीं जानते हैं। तब आचार्य कहते हैं, आचार्य तर्हि, तब या तो, अद्य, आज, संस्कृत विषये मूर्धन्य विदुषां प्रसिद्ध राजनेतृणां वैदेशिकानां विचाराणां चर्चां कुर्मः। तब आज संस्कृत के विषय में, मूर्धन्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ विद्वानों, प्रसिद्ध राजनेताओं और विदेशियों के विचारों की चर्चा करते हैं। तब आगे दिशा नाम की एक छात्रा पूछती है, आचार्य के भारतीयाः विद्वांसः संस्कृत विषये उक्तवन्तः, किन किन भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में कहा है। तब आचार्य उत्तर देते हैं, नैके विद्वांसः, अनेक विद्वानों, राजनेतारः अर्थात राजनेताओं, साहित्यकाराश्च, साहित्यकारों ने और साहित्यकारों ने संस्कृतस्य महत्वं प्रतिपादितवन्तः, संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित किया है। भारतीयेषु महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद प्रभृतयः, तथा च वैदेशिकेषु मैक्स मूलर, मैकडोनल्ड, बेवर, विलियम बॉब हीरेन प्रभृतयः उल्लेखनीया। और भारतीयों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद आदि, तथा विदेशियों में मैक्स मूलर, मैकडोनल्ड, बेवर, विलियम बॉब हीरेन आदि उल्लेखनीय हैं, मतलब इनके नाम उल्लेखनीय हैं। आगे मृदुल नाम का अगला छात्र पूछता है, आचार्य महात्मा गांधी संस्कृत विषय के मुक्तवान, महात्मा गांधी ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है। तब आचार्य अर्थात आचार्य कहते हैं, महात्मा गांधी अवदत्, महात्मा गांधी ने कहा है यत संस्कृतम, महात्मा गांधी ने कहा है कि, यत अर्थात की और यत का अर्थ जो भी होता है, कि संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषा भी गंगा नदी अस्ति, कि संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं की गंगा नदी है। बच्चों आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार सभी नदियों में पवित्र और सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी मानी गई है, गंगा, उसी प्रकार सभी भाषाओं में श्रेष्ठ और शुद्धतम कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषा भी गंगा नदी अस्ति, कि संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं की गंगा नदी है। और अहम चिंतयामि यदि, और मैं सोचता हूँ कि यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत, कि यदि संस्कृत गंगा सूख गई, तरही तो सर्वाः अपि भाषाः सारहीनाः स्युः, तो सभी भाषाएं भी सारहीन हो जाएंगी। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि सभी भाषाओं का जन्म किस भाषा से हुआ है, संस्कृत से, और यदि संस्कृत रूपी गंगा ही सूख गई तो सभी भाषाएं तो सारहीन हो ही जाएंगी। आगे अगला छात्र प्रत्युष पूछता है, स्वामी विवेकानंद की मुक्तवान, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है। तब आचार्य कहते हैं, विवेकानंद उक्तवान यत, विवेकानंद ने कहा है कि संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम, कि संस्कृत को अनिवार्य रूप से सीखना चाहिए। यतो ही, क्योंकि तस्य उच्चारण ध्वनि रेप, क्योंकि उसके उच्चारण और ध्वनि से ही राष्ट्रीय भाव, आत्मगौरवम, उदान्त भावंच जनयति, उसके उच्चारण और ध्वनि से ही राष्ट्रीय भाव, आत्मगौरव और उदात्त भाव अर्थात उदारता का भाव उत्पन्न होता है। किंतु अस्माभिः सर्वैरपि भारतीय संस्कृते प्रसारे प्रचारे च प्रयत्नः न क्रियते, यहाँ से ना थोड़ा सा कट गया है, तो आप सभी बुक में देखें, न क्रियते इति खेदस्य विषयः, किंतु हम सभी भारतीयों के द्वारा संस्कृत के प्रसार अर्थात उसको फैलाने में और उसके प्रचार के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता है, इति खेदस्य विषयः, यह खेद अर्थात दुख का विषय है। तो
महात्मा गांधी ने क्या कहा, विवेकानंद ने क्या कहा और आगे अन्य विद्वान भी क्या कहते हैं, इन सभी बातों को आप ध्यान रखें क्योंकि इन्हीं पर आधारित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और इन्हीं के उत्तर आपको देना होंगे। अगला छात्र यजुष पूछता है, भारत से प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्तः इति श्रूयते, कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संस्कृत भक्त थे ऐसा सुनते हैं, असौ संस्कृत विषय किम चिंतयति, यहाँ से किम चिंतयति भी कट गया है। आप सभी बच्चे बुक में देखें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संस्कृत भक्त थे ऐसा सुनते हैं, असौ संस्कृत विषय किम चिंतयति, वे संस्कृत के विषय में क्या सोचते थे। तो आगे देखते हैं, तब आचार्य कहते हैं कि संस्कृत संदर्भे एकदा एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू उक्तवान, यह पंडित नेहरू ने कहा था कि यदि कश्चित माम प्रच्छेद की, यदि कोई मुझसे पूछे यत कि भारत से उदात्तम कोशः, कहा कि भारत का उदात्त कोश क्या है या उदारता का कोश क्या है। उदारता का कोश से मतलब है कि भारत के लोग इतने उदार अर्थात दयालु क्यों होते हैं, अथवा भारत से सर्वश्रेष्ठा संपत्ति का, अथवा भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तरही अहम तो कथयिष्यामि, तब तो मैं कहूँगा कि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वांगमयम एव, कि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत के अंग। नेहरू ने, पंडित नेहरू ने क्या कहा कि यदि मुझसे कोई पूछे कि भारत का उदात्त कोश क्या है या भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तो मैं उसको उत्तर क्या दूंगा कि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत के अंग। संस्कृत भाषा तो आप समझ ही गए होंगे और उसके अंग से क्या मतलब है, वेद पुराण उपनिषद धार्मिक ग्रंथ आदि सभी। आगे नेहरू जी ने कहा कि और अहम विश्वसमी, मैं विश्वास करता हूँ कि यावत जब तक संस्कृत भाषा जीवती, संस्कृत भाषा जीवित है, जीवने प्रभवती, जीवन में प्रवाहित है, तावत तब तक भारत राष्ट्र से मूलभूता एकता स्थास्यतेव, तब तक भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता स्थापित रहेगी, ऐसा नेहरू जी ने कहा। आगे अगला छात्र रजतः अर्थात रजत पूछता है कि अन्यषां साहित्यकाराणां विषये अपि ज्ञातुम इच्छामि, कि अन्य साहित्यकारों के विषय में भी जानना चाहता हूँ। बच्चों, महात्मा गांधी ने क्या कहा कि यह संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं की गंगा नदी है, और मैं सोचता हूँ कि यदि संस्कृत रूपी गंगा सूख गई तो सभी भाषाएं सारहीन हो जाएंगी। आगे विवेकानंद ने क्या कहा कि संस्कृत को अनिवार्य रूप से सीखना चाहिए क्योंकि उसके उच्चारण और ध्वनि से ही राष्ट्रीय भाव, आत्मगौरव और उदारता का भाव उत्पन्न होता है, किंतु हम सभी भारतीयों के द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है, यह दुख का विषय है। आगे पंडित नेहरू ने कहा कि यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत का उदात्त कोश क्या है या भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तो मैं उसको उत्तर क्या दूंगा कि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत के अंग, और मैं विश्वास करता हूँ कि संस्कृत भाषा, जब तक संस्कृत भाषा जीवित है, जीवन में प्रवाहित है, तब तक भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता स्थापित रहेगी। तो अभी तीन विद्वानों के विचार हो गए। आगे रजत नाम का छात्र पूछता है कि अन्य भी साहित्यकारों के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। तब आचार्य उत्तर देते हैं, आम हाँ अहम संक्षेपेण वदामि, मैं संक्षेप में बताता हूँ। साहित्यकार राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद अवोचत यत, साहित्यकार और राजनेता, ये साहित्यकार भी थे और राजनेता भी थे, डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा है यत कि संस्कृत में व अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या, कि संस्कृत को ही इस देश की राष्ट्रभाषा होना चाहिए। संस्कृते अमूल्य रत्नानि सन्ति, क्योंकि संस्कृत में अमूल्य रत्न हैं। अमूल्य रत्नों से मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको हीरे जवाहरात मिलें। अमूल्य रत्न क्या है, विद्या ज्ञान, संस्कृत से ही समस्त ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि संस्कृत में अमूल्य रत्न हैं। और संस्कृतम ना केवलम जीविता नाम, और संस्कृत ना केवल जीवित व्यक्तियों के लिए अपितु बल्कि दिवंगता नाम कृते अपि संजीवनी अस्ति इति, बल्कि मरे हुए लोगों के लिए भी संजीवनी है। मरे हुए लोगों के लिए संजीवनी ही है से क्या मतलब है, आप सभी जानते होंगे कि रामायण आपने देखी भी होगी, अभी फिलहाल आपने इसका कुछ समय पहले प्रसारण भी देखा दूरदर्शन पर, और इसके बारे में हम जानते भी हैं कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं और वो पर्वत का पर्वत उठा लाते हैं, ऐसा आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, रामायण में पढ़ा भी होगा। तो संजीवनी क्या थी, वो केवल एक बूटी ही नहीं थी, वो एक इस तरह की बूटी थी कि उसको मंत्रों के द्वारा उच्चारित किया जाता था, मंत्रों के द्वारा उसका आह्वान किया जाता था, और फिर वो प्रकट होती थी और बताती थी, अपनी विशेषता बताती थी, और जो उसके बारे में जो
जानता था, जैसे कि रामायण में वैद्य सुखेन थे, वो इस विद्या को जानते थे और उन्होंने उसका आह्वान किया और संजीवनी के द्वारा लक्ष्मण जी का उपचार किया और वो पुनः जीवित अवस्था में आ गए थे। तो जितने भी हमारे मंत्र होते हैं वो सभी किस भाषा में होते हैं? संस्कृत भाषा में ही होते हैं। तो संस्कृत ना केवल जीवित व्यक्तियों के लिए बल्कि मरे हुए लोगों के लिए भी संजीवनी के समान है। आगे देखें क्या कहते हैं। अपीचा और भी साहित्य में घुमक्कड़ धर्मस्य प्रस्तावक, घुमक्कड़ धर्म के प्रस्तावक साहित्यकार रहा और साहित्यकार। घुमक्कड़ धर्म के प्रस्तावक से क्या मतलब है? वैसे तो घुमक्कड़ एक प्रकार की जाति होती है और यहाँ पर ये जो साहित्यकार हैं ये घुमक्कड़ धर्म के प्रस्तावक थे। कहने का मतलब हुआ कि ये जगहों जगहों पर जाकर अर्थात घूम घूम कर अपने धर्म का या अपनी विद्या का प्रचार प्रसार करते थे। तो और भी साहित्य में घुमक्कड़ धर्म के प्रस्तावक और साहित्यकार राहुल सांस्कृतायनो अपि उक्तवान्यत। राहुल सांस्कृतायन ने भी कहा है कि क्या कहा है कि अस्मत् प्राचीनतमा वाणी संस्कृत रूपेण अधुना अपि विद्यमाना, कि हम सभी की या हमारी प्राचीनतम वाणी संस्कृत के रूप में आज भी विद्यमान है। तत्वतः यथा तब तो जैसे हिंदी कथा साहित्य आदि नाम, तब तो जैसे हिंदी कथा साहित्य आदि का अध्ययनम भवति अध्ययन होता है, तथा उसी प्रकार संस्कृत ग्रंथानाम अपि अध्ययनम अध्यापनंच सर्वत्र भवेत। तब तो उसी प्रकार संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन और अध्यापन सभी जगह होना चाहिए, ऐसा इन विद्वानों ने कहा। आगे अगला छात्र गिरिराज पूछता है कि महर्षि अरविंद से संस्कृत विषय को अभिप्राय है, कि महर्षि अरविंद का संस्कृत के विषय में क्या अभिप्राय है? तब आचार्य उत्तर देते हैं कि महर्षि ही प्राह, महर्षि ने कहा है सरल संस्कृत में वो भारत राष्ट्र से राष्ट्रभाषा भवेत, कि सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होना चाहिए। क्या कहा महर्षि ने, महर्षि अरविंद ने, कि सरल संस्कृत को ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होना चाहिए। संस्कृत देखा जाए तो वैसे बहुत क्लिष्ट भाषा है और वो क्यों समझ में नहीं आती, क्योंकि उसका अध्ययन ही सभी जगह नहीं होता है ठीक से, और अगर उसका सरलतम रूप उसको सरल रूप में प्रस्तुत किया जाए तो बहुत ही मीठी और बहुत सरल भाषा है। तो इसीलिए महर्षि अरविंद ने कहा है कि सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होना चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि पहले संस्कृत ही संपूर्ण विश्व की एक ही भाषा हुआ करती थी। आगे क्या कहते हैं, और अयमेव भावः श्री मातुः कथने अपि दृश्यते, और यह भाव ही श्री माता के कथन में भी दिखाई देता है। ये भी श्री माता भी एक बहुत बड़ी संस्कृत की विदुषी महिला रही हैं, तो जो महर्षि अरविंद ने कहा है वह भाव ही श्री माता के कथन में भी दिखाई देता है। सा उन्होंने कहा है कि संस्कृत में राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति इत्युक्तवती, कि संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए इत्युक्तवती, ऐसा उन्होंने कहा है। अन्य अपि प्रसिद्धा नायकाः संस्कृतस्य प्रशंसां कृतवन्तः महनीयतां च स्वीकृतवन्तः, और दूसरे भी प्रसिद्ध नायकों ने संस्कृत की प्रशंसा की है और उसकी महानता को स्वीकार किया है। यथा जैसे कि भारतस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः कथितवान् यत्, जैसे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि संस्कृत साहित्यम न केवलम भारतस्य कृते, संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए अपितु बल्कि मानव जाति ही कृते अमूल्य धनमस्ति, बल्कि मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। पंकजः उन्होंने क्या कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कि संस्कृत ना केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। अगला छात्र पंकज पूछता है कि आचार्य अन्य धर्माविलंबना अपि संस्कृतस्य प्रशंसकः खलु, क्या अन्य धर्म को मानने वाले, अन्य धर्मावलंबी से मतलब क्या होता है, दूसरे धर्म को मानने वाले, ये जितने भी ऊपर हमने विद्वानों के नाम पढ़े ये सभी हिंदू संस्कृति से बिलोंग करते थे, तो वो पूछना चाहता है कि क्या दूसरे धर्म को मानने वाले भी संस्कृत के प्रशंसक हैं? तब आचार्य कहते आम हाँ, प्रसिद्धः मुस्लिम विचारकः, प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बद्रुद्दीन तैयब महोदयः उक्तवान् यत्। बद्रुद्दीन तैयब महोदय ने कहा है कि बद्रुद्दीन नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये मुस्लिम थे। क्या कहा इन्होंने कि मम मते, कि मेरे विचार में प्रत्येकमपि हिंदुः मुस्लिमः भारतीयो वा संस्कृतज्ञो भवेदिति, मेरे विचार में प्रत्येक हिंदू और मुसलमान भारतीय को संस्कृत का जानकार होना चाहिए, संस्कृतज्ञ अर्थात संस्कृत का जानकार होना चाहिए।
बदरुद्दीन तैयब महोदय का क्या कहना है कि चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सभी भारतीयों को संस्कृत का जानकार होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं ये कि अन्यच प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मोहम्मद अली छागला उक्तवानियत, दूसरे प्रसिद्ध न्यायवेत्ता, ये न्यायवेत्ता रहे होंगे मोहम्मद अली छागला ने कहा है कि ये भी मुस्लिम थे, मोहम्मद से ही समझ में आ गया होगा कि मम इच्छा यत, मेरी इच्छा है कि मातृभाषया सह, मातृभाषा के सह अर्थात साथ संस्कृत शिक्षा अनिवार्य भवेत, संस्कृत की शिक्षा भी अनिवार्य होना चाहिए कि संस्कृत भाषा प्राचीन अर्वाचीनी और मध्य सेतुरस्ते, संस्कृत भाषा पुराने और नए के बीच में पुल के समान है, पुल अर्थात सेतु, सेतु ब्रिज जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। ब्रिज क्या करता है, एक रास्ते से दूसरे रास्ते को जोड़ता है तो आगमन की सुविधा हो जाती है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा भी पुराने और नए को जोड़ देती है और एक सेतु का काम करती है। अगला छात्र है सलीमा अर्थात सलीम। देखिए पहले हिंदू विद्वानों के नाम आ रहे थे तो हिंदू संस्कृति के आधार पर ही हिंदू जैसे ही नाम आ रहे थे, अब मुस्लिम विचारकों के नाम आ रहे हैं तो सलीम मुस्लिम नाम आ गया। कहता है कि आचार्य संस्कृत विषय भारतीय नाम मंतव्यम अवगतम, संस्कृत के विषय में भारतीयों भारतीय विद्वानों के विचारों से अवगत हुआ अर्थात भारतीयों के विचारों को जाना। अधुना अब वैदेशिका नाम विषय अपि ज्ञातुम इच्छामि, अब विदेशियों के विषय में जानना चाहता हूँ। अब किन विषयों के, किन विद्वानों के बारे में जानना चाहता है, वो विदेशी विद्वानों के बारे में। तब आचार्य कहते साधुत्वम तया, तुमने उचित कहा। इदानीम अहम, इस समय मैं वैदेशिक विदुषाम विदेशी विद्वानों के संस्कृत विषयकम मंतव्यम बोध्यामि, संस्कृत विषयक विचारों को, मंतव्य अर्थात विचारों को बताता हूँ। बिल्ड्यूरेंट विख्यात पाश्चात्य समीक्षक उक्तवानियत, बिल्ड्यूरेंट विख्यात पाश्चात्य समीक्षक है अर्थात पश्चिमी देश के रहने वाले हैं और उक्तवानियत, उन्होंने कहा है कि भारतम अस्माकम जाते ही जन्मभूमि की, भारत हमारी जाति की जन्मभूमि है। बिल्ड्यूरेंट जो कि पश्चिमी देश के रहने वाले और वहीं के विद्वान हैं, फिर भी वो क्या कहते हैं कि भारत हमारी जाति की जन्मभूमि है, जिस प्रकार भारत हमारी जाति की जन्मभूमि है तथा उसी प्रकार संस्कृतम यूरोपीय भाषाणाम जननी अस्ति, संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत किन भाषाओं की जननी भी है, यूरोपीय भाषाओं की जननी, ना केवल हमारे यहाँ की। संस्कृत में अस्माकम दर्शनस्य जननी, संस्कृत ही हमारे दर्शन की जननी है अर्थात दर्शन शास्त्र जितने भी होते हैं उन सभी की जननी है। अरब देशात प्राप्त से गणितस्य जननी अस्ति, अरब देश से प्राप्त गणित की जननी है। गणित कहाँ से प्राप्त हुआ हमें, अरब से, तो अरब देश से प्राप्त गणित की जननी है। ईसाई धर्मे बौद्ध धर्मे, ईसाई धर्म में बौद्ध धर्मे समाहिता नाम आदर्शा नाम जननी, ईसाई धर्म में और बौद्ध धर्म में जिस धर्म की बात की गई है उन सभी में समाहित जो आदर्श बताए गए उन सभी की जननी भी संस्कृत है। और ग्रामीण समुदाय ने स्वायत्त शासन से तथा गणतंत्र से जननी, ग्रामीण समुदाय में और स्वायत्त शासन में तथा संपूर्ण गणतंत्र की जननी भी है। और एवं प्रकारेण भारत माता, और इस प्रकार से भारत माता ही नाना विधि रूपेशु अनेक रूपों में अस्माकम सर्वेशाम जननी अस्ति, हम सभी की जननी है। संपूर्ण रूप से उन्होंने किसको बता दिया, भारत माता को, संपूर्ण रूप से भारत माता हम सभी की जननी है। अगला छात्र जॉन पूछता है, अब देखिए विदेशियों के विचारों की चर्चा हो रही है तो नाम भी विदेशियों जैसे आने लगे। जॉन पूछता है वैदेशिकेशु मैक्स मूलर महोदया विख्यात, विदेशियों में मैक्स मूलर महोदय विख्यात हैं, तेन के मुक्तम, उन्होंने क्या कहा है। तब आचार्य कहते हैं मैक्स मूलर उक्तवान्यत, मैक्स मूलर ने कहा है कि संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है और परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़ें कि मैक्स मूलर उक्तवान्यत, मैक्स मूलर ने कहा है कि संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व की महत्वपूर्ण भाषा है। एवमपि प्राध्यापक बॉप उक्तवान्यत, और यह भी प्राध्यापक बॉप ने कहा है कि ये भी एक विदेशी विद्वान रहे हैं और प्राध्यापक रहे तो उन्होंने भी कहा है कि संस्कृत मेव संपूर्ण विश्व से एका भाषा आसीत कदाचित इति, कि संस्कृत ही संपूर्ण विश्व की एक भाषा थी कभी, ऐसा प्राध्यापक बॉप ने कहा है।
मैक्स मूलर ने क्या कहा है कि संस्कृत विश्व की महत्वपूर्ण भाषा है, और बॉब महोदय ने क्या कहा है कि संस्कृत ही संपूर्ण विश्व की एक भाषा थी कभी, और ऐसा हम सभी जानते भी हैं। अगला छात्र जिसका नाम है करतार सिंह पूछता है कि इतरे शामपि अर्थात दूसरे भी वैदेशिक विचाराणाम अभिप्रायः अपि ज्ञातव्यः खलु, कि दूसरे भी विदेशियों के विचारों के अभिप्राय को जानना चाहता हूँ। आचार्य कहते हैं सत्यमेव सत्य है, जानन्तु जानिए जानो। विद्वान मैकडोनल उक्तवान यत, विद्वान मैकडोनल ने कहा है कि वयम यूरोपियाः, हम यूरोपीय, बहुत ध्यान से पढ़िए इस लाइन को, कि वयम यूरोपियाः, हम यूरोपीय अद्यावधि, आज तक की अवधि में अर्थात आज तक के समय में, स्ववर्णमालाम अपि, अपनी वर्णमाला को भी पूर्णीकर्तुम न समर्थाः, पूर्ण करने में भी समर्थ नहीं है। बच्चों किसी भी भाषा का ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? वर्णमाला के द्वारा। जैसे आपको हिंदी सीखना है तो हिंदी की वर्णमाला सीखना पड़ेगी सर्वप्रथम, इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश की वर्णमाला सीखना पड़ेगी, उर्दू सीखना है तो उर्दू की वर्णमाला सीखना पड़ेगी। किसी भी भाषा को जानने के लिए सबसे पहले हमें किस भाषा, उस भाषा की वर्णमाला को सीखना पड़ता है। तो विद्वान मैकडोनल्ड क्या कहते हैं कि वयम यूरोपिया है, ये यूरोपीय विद्वान है कि हम यूरोपीय अद्यावधि, आज तक की अवधि में भी, स्ववर्णमालाम अपि, अपनी वर्णमाला को भी पूर्णीकर्तुम न समर्था, पूर्ण करने में भी समर्थ नहीं है, मतलब इनकी वर्णमाला भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। परम परंतु भारतीयानां भाषा तथा भाषा विज्ञानम न केवलम पूर्णम अपितु वैज्ञानिकम अस्ति, परंतु भारतीयों की यह भाषा, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। परंतु भारतीयों की यह भाषा और तथा उसका विज्ञान अर्थात भाषा का, उस भाषा का विज्ञान, इस पाठ में शुरू में ही बताया गया है कि संस्कृत ना केवल एक विश्व की प्राचीनतम भाषा है बल्कि पूरी विज्ञान पर आधारित है अर्थात वैज्ञानिक भाषा भी है। तो क्या कहते हैं कि परंतु भारतीयों की यह भाषा तथा उस भाषा का विज्ञान ना केवल पूर्ण है अपितु वैज्ञानिक भी है। आगे देखें, अन्यच्च विलियम जोन्स महोदया उक्तवान यत, दूसरे विलियम जोन्स महोदय ने कहा है कि संस्कृतस्य रचना आश्चर्यकारिणी अस्ति, कि संस्कृत की रचना आश्चर्यजनक है, वास्तव में आश्चर्यजनक है, हर किसी के वश की बात नहीं है इसको पढ़ना, और कठिन भी नहीं है और असंभव भी नहीं है। और इयम ग्रीक भाषायाः, आगे कहते हैं इयम ग्रीक भाषायाः अपेक्षया अधिक पूर्णा, लैटिन भाषायाः अपेक्षया अधिका समृद्धा, तथा च उभयो तुलनायाम अति परिष्कृता वर्तते। बच्चों हम सभी जैसे विज्ञान पढ़ते हैं या सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं या कोई और विषय पढ़ते हैं तो उसमें कहीं कहीं बोला जाता है कि ये शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ इंग्लिश में ये होता है, हिंदी में ये होता है, या लैटिन भाषा के इस शब्द से लिया गया है और इस भाषा में इसका अर्थ यह होता है, ऐसा बोला जाता है। तो ये भाषाएं जो हैं जैसे कि ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, ये विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, लेकिन इन सब के ऊपर जो एक भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत भाषा। तो विलियम जॉन्स महोदय क्या कहते हैं कि संस्कृत की रचना आश्चर्यजनक है और यह भाषा ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण है और लैटिन भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है, तथा दोनों की तुलना में, कौन की तुलना में? ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा की तुलना में अधिक शुद्ध है, परिष्कृत है, अर्थात तो शुद्ध है, शुद्धतम है। वैसे भी इसको देववाणी कहा जाता है और इसीलिए इसको शुद्ध बोला गया है और होती भी है भी, क्योंकि सभी भाषाओं का जन्म इसी भाषा से हुआ है। आगे अगला छात्र मनीष पूछता है केनापि अन्येन पाश्चात्य विदुषाम अपि संस्कृत विषय किमपि उक्तम, क्या दूसरे भी पाश्चात्य विद्वानों ने भी संस्कृत के विषय में कुछ कहा है, अर्थात दूसरे विदेशी विद्वानों में ने भी संस्कृत के विषय में कुछ कहा है? तब आचार्य कहते हैं आम हाँ, बेबर महोदय इन कथितम यत, बेबर महोदय ने कहा है कि संप्रति अर्थात वर्तमान में या इस समय संपूर्ण विश्व में पाणिनी ही व्याकरणेषु व्याकरणों में पूर्णः सर्वमान्यश्चास्ति, पूर्ण और सर्वमान्य है। व्याकरण उसे कहा जाता है जो व्याकरण की रचना करता है, जैसे कविताओं को रचने वाला कौन हो गया? कवि। नाटक को लिखने वाला नाटककार, निबंध को लिखने वाला निबंधकार होता है। उसी प्रकार जो व्याकरण की रचना करता है उनको व्याकरण बोला जाता है। तो क्या कह रहे हैं वेबर महोदय कि
वर्तमान में या इस समय संपूर्ण विश्व में पाणिनि ही व्याकरणों में पूर्ण और सर्वमान्य हैं। कहने का मतलब हुआ कि पाणिनि ने जिस व्याकरण की रचना की या व्याकरण ग्रंथ, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया अष्टाध्यायी की रचना इन्होंने की, और अष्टाध्यायी के ऊपर ही आगे अनेक विद्वानों ने फिर उसको लिखा और उसको सरलतम रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। तो कहते हैं ये कि संपूर्ण विश्व में इस समय पाणिनि ही व्याकरणों में पूर्ण है, यानी अन्य विद्वानों ने जिस व्याकरण की रचना की वो पूर्ण रूप से नहीं लिख पाए, लेकिन पाणिनि ने जो व्याकरण की रचना की वो पूर्ण है, इसलिए सर्वमान्य है। दर्शने व्याकरणे च प्रमाणिकतायाम उर्वरतायांच भारतीयाः उच्चतम स्थले प्रतिष्ठिताः। दर्शन में, व्याकरण में और प्रमाण देने में, यानी प्रमाणिकता में और उर्वरता में, अर्थात उदारता में या उर्वरता में भारतीय ही उच्चतम स्थल पर प्रतिष्ठित है, यानी भारतीयों का ज्ञान ही उच्चतम स्थल पर प्रतिष्ठित है। तथा च एच एच विल्सन महोदय कथितम यत, उसी प्रकार एच एच विल्सन महोदय ने भी कहा है कि ना जाने विद्यते किम तन माधुर्य मंत्र संस्कृति सर्वदेव समुन्मत्ता येन वैदेशिका वयम। ये श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि ना जाने विद्यते किम तन माधुर्य मंत्र विद्यते संस्कृते, कि मैं नहीं जानता हूँ कि संस्कृत में वह कौन सा माधुर्य मंत्र विद्यमान है। क्या कहते हैं ये कि मैं नहीं जानता हूँ कि संस्कृत में वह, संस्कृति अर्थात संस्कृत में वह कौन सा माधुर्य मंत्र, अर्थात कौन सी मिठास, कौन सी मधुरता है कि सर्वदेव समुन्मत्ता, उन्मत्त अर्थात नशे में चूर, जैसे कि कोई एक नशा करने वाला व्यक्ति होता है उसी के नशे में चूर रहता है, उसी प्रकार विद्या, जिसको विद्या से प्रेम हो जाता है वो उसी के नशे में चूर रहता है। तो क्या कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ कि संस्कृत में वह कौन सा माधुर्य मंत्र या कौन सी मिठास या कौन सी मधुरता विद्यमान है जिससे कि येन, अर्थात जिससे कि हम सभी वैदेशिका, हम सब वयम वैदेशिका, हम सभी विदेशी होते हुए भी सर्वदेव हमेशा ही समुन्मत्ता इसी के नशे में चूर रहते हैं। किसके नशे में चूर रहते हैं? संस्कृत भाषा के नशे में चूर रहते हैं। आगे देखें, सर्वे छात्राः, कहते हैं आचार्य, वयम आनंदिता, हम सभी आनंदित हुए संस्कृतम प्रति विश्व प्रसिद्धानाम विदुषाम अभिमतम श्रुत्वा। संस्कृत के प्रति विदेशी विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के अभिमतम अर्थात विचारों को श्रुत्वा अर्थात सुनकर, संस्कृतम वैश्विकम महत्वम च ज्ञात्वा, और संस्कृत के वैश्विक महत्व को जानकर। और उचिते ही कहा गया है कि भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीय एकता का साधक भी संस्कृत है, और विश्व बंधुत्व संपोषकम संस्कृतम, और विश्व बंधुत्व का पोषण करने वाला भी, विश्व बंधुत्व का पोषण करने वाला भी कौन है? संस्कृत है। और सर्वे मिलित्वा श्लोक से स्वर्गायनम कुर्वन्ति, और सभी मिलकर ऊपर लिखे श्लोक का स्वर सहित गायन करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ो। चूँकि ये चैप्टर बड़ा था इसलिए मैंने इस पाठ को दो भागों में बांटा है, जिसमें पहले भाग में इस पूरे पाठ को मैंने समझाया है और इसी पाठ के अगले भाग में मैं आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर समझाऊंगी। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप एक बार पुनः पढ़ें, अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, जो नवांकुर के ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं या पर्सनल नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।